ये डिश वॉशर है, 12 ईयर वारंटी, प्रो स्मार्ट इन्वर्टर मोटर, वोल्टास बेको है। इसका मॉडल नंबर देखते हैं, ये इसका मॉडल है DF15A। इसमें SKU कोड भी लिखा है, डिटेल वगैरह लिखी हुई है, सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। बैक साइड से देखते हैं, ये इसका बैक साइड का हिस्सा है। इसमें ड्रेन पाइप है, पावर कोड है, इनलेट पाइप भी लगा हुआ है। इसका जो मॉडल नंबर है DF15A, इसकी एक खासियत है कि इस डिशवॉशर को एक ऐप के साथ कनेक्ट करके हम चला सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐप के साथ कनेक्ट करते हैं। ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ। प्ले स्टोर पर मुझे सर्च करना है होमबीज HOMEWHIZ। इसको मैं सर्च करूँगा, सो ये वाला ऐप आएगा, जैसा आप देख सकते हो होमबीज करके। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी हम देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया और ओपन हो रहा है। अभी हम इस ऐप को ओपन करेंगे। अभी मेरा ऐप ओपन हो चुका है, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। अभी ये साइन अप करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यूजर नेम डाल लेता हूँ कोई भी। उसके बाद सर नेम डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर ये भी ऑप्शनल है। ईमेल आईडी जरूर डालना है, सो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल लेता हूँ और एक पासवर्ड भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और ये करने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये हो गया है, तो मैं एक बार इसका टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो भी, एग्रीमेंट जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आईडी बन चुकी है, एक बार वेरिफिकेशन के लिए और बोलता है। सो अगर ये वेरिफिकेशन के लिए बोलता है तो अपनी मेल आईडी पे जाके एक बार वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद वापस ऐप में आके लॉग इन करेंगे। यहाँ पर मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन हो गया है, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें एक डिवाइस जो है ऑलरेडी कनेक्टेड दिखा रहा है, जो कि ये इस डिशवॉशर से ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये डिशवॉशर किसी मोबाइल से ऐप के थ्रू कनेक्ट है, एक बार कनेक्ट है तो किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकता। सो अगर ऐसा है तो मुझे पहले जिस मोबाइल से कनेक्ट है उससे डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, उसी के बाद हम दोबारा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं जो ये डिवाइस है इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। डिवाइस को रिमूव करने के दो तरीके होते हैं, एक जो मैंने आपको दिखाया यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अभी इसके अंदर कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है। दूसरा तरीका होता है डिशवॉशर में रीसेट का ऑप्शन, डिशवॉशर से भी हम रीसेट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी डिवाइस कनेक्ट होगा वो उससे डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि डिशवॉशर से कैसे रीसेट किया जाता है। तो मैंने डोर को ओपन कर लिया है, डोर को ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर मुझे पैनल दिख रहा है। सो इस पैनल में यहाँ पर लेफ्ट साइड में
मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में एक ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पर रिमोट का बटन है, और इधर देखेंगे तो टाइम डिले का बटन है और प्लस माइनस भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद ये रिमोट और ये टाइम डिले में जो माइनस वाला पॉइंट है, इस दोनों को टच करके होल्ड करेंगे। जैसे हम टच करके होल्ड करेंगे तो ये रीसेट प्रोसेस में चला जाएगा। अभी ये रीसेट हो रहा है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये रीसेट हो रहा है। अगर कोई डिवाइस पहले से कनेक्ट है तो इससे डिसकनेक्ट हो जाएगा। अभी ये रीसेट हो चुका है। डिशवॉशर पावर ऑन है। इसको मैं डोर को एक बार बंद कर देता हूँ। वापस ऐप में चलते हैं। सो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ये लोकेशन के लिए परमिशन मांग रहा है, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। किचन डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, डिशवॉशर के ऑप्शन को चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्कैन बारकोड का ऑप्शन दिया है और नीचे मैनुअल टाइप करने का ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट कोड टाइप करना होगा। ये प्रोडक्ट कोड डिशवॉशर के डोर में राइट साइड में होता है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही डोर खोलेंगे तो यहाँ पर एक बार कोड बना होता है और नीचे कोड लिखा होता है, तो इस कोड को मुझे इंटर करना है मोबाइल ऐप में, या फिर मैं स्कैन भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक बार स्कैन करके दिखाता हूँ। मैंने स्कैन बार कोड पर क्लिक किया और उसके बाद मैं स्कैन करता हूँ। इसने कोड को स्कैन कर लिया है। मैं इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ। मशीन को पावर ऑफ कर लिया। पावर ऑफ करने के बाद ये ऑन ऑफ और रिमोट, इन दोनों बटन को टच करके होल्ड करना है। जैसे हम टच करके होल्ड करते हैं तो यहाँ पर मुझे राइट साइड में एक वाईफाई का सिंबल दिखाई देता है। यहाँ से वाईफाई के सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अभी मैं वापस ऐप में चलता हूँ। सो यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। गो टू सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक नेटवर्क दिखाई देगा होम बीच करके, जो कि डिशवॉशर के सिग्नल्स जो आउट हो रहे हैं। सो यहाँ पर एक नेटवर्क दिखाई देगा। ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसमें पासवर्ड मांगे, मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड होम बीच ही रहेगा, जो ऐप का नाम है HOMEWHIZ। होम बीच डाल के कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है। अभी हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद अभी ये वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा है, जो मेरे राउटर में आसपास लगा होगा, जो राउटर आसपास लगा हुआ है उसका पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं उसका पासवर्ड डाल देता हूँ, जो मेरे घर में नेटवर्क है। मैंने पासवर्ड डाल दिया, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं डिवाइस का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ बैको लिख देता हूँ, और उसके बाद सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मुझे वापस डिशवॉशर के पैनल पे जाना होगा। डिशवॉशर के पैनल पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक रिमोट का बटन दिखेगा, इसको मुझे ऑन कर देना है। ऑन करते ही यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल सिंबल दिखेगा। सो मैंने रिमोट का बटन जो है ये ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद मैं इस डोर को बंद कर देता हूँ। गो टू माई डिवाइस में जाता हूँ। सो मैं देखता हूँ यहाँ पर ये जो मैंने सेव किया था वो वापस आ गया है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चाहूँ तो इस मशीन को ऑफ भी कर सकता हूँ।
और यहीं से वापस मैं ऑन भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है यहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है। तो मैं एक बार और आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। फिर वापस ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑन हो जाता है। मैं ऑन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हम देखेंगे प्रोग्राम है, एक बार मैं ऑन कर लिया, ये ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम चूज कर सकता हूँ, प्रोग्राम का ऑप्शन दिया है। सो यहाँ से मुझे जो प्रोग्राम चाहिए वो प्रोग्राम मैं चूज कर लूँगा। लाइक मैं इंटेंसिव प्रोग्राम चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ये एडिशनल ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से चाहूँ तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं स्टार्ट प्रोग्राम करूँगा, और जैसे ही मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ मशीन रन करने लगती है, और इसकी जो टोटल टाइमिंग है वो डिस्प्ले पर शो करेगी। 3 घंटे 26 मिनट का प्रोग्राम है, हम अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, सेम दिख रहा है। यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को पॉज भी कर सकता हूँ और वापस दोबारा से ऑन भी कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम मोबाइल के साथ में इस डिशवॉशर को यूज करते हैं।